मैं डॉक्टर तनवीन आज आप सबके सामने एक सेशन लैक्टेटिंग मदर्स और नियोनेट्स को कोविड के टाइम पे कैसे बचाना है उस पर एक सेशन करेंगे। इसको आज हम हिंदी में करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ पाए और इसका लाभ उठा पाए। तो अगर आप गर्भवती हैं या आपका अभी अभी एक बच्चा हुआ है जिसको आप दूध पिला रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए, अवॉइड कीजिए वो लोगों को जो बीमार हैं या वायरस को एक्सपोज हो चुके हैं। घर पे रहिए या फिर बाकी लोगों से 6 फुट की दूरी बना के चलें, या उन लोगों से जो आपके आसपास नहीं रहते। फिर अपने हाथों को बिल्कुल साफ रखिए, अपने हाथों को पानी और साबुन से कम 20 सेकंड के लिए धोएं और अपने बच्चों को भी हाथ धोना सिखाएं। घर के बाहर कोई भी सरफेसेस को अगर आप टच करते हैं, जैसे कोई दरवाजे का हैंडल या गेट का हैंडल या कोई बटन या कोई स्विच जो आपने बाहर छुआ हो, तो घर आने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। बाथरूम जाने के बाद या डायपर चेंज करने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। अपना नाक साफ करने के बाद, खांसने के बाद या छींकने के बाद भी अपना हाथ जरूर धोएं। कपड़े धोने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। खाना बनाने से पहले या खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चे को दूध पिलाने से पहले या उसका कोई भी दूध की बॉटल धोने से पहले, उसको दूध उसमें डालने से पहले वो सब सारा सामान अच्छे तरह से धोएं। अपने हाथ जब आपको गंदे लगे दिखने में तब तो बिल्कुल धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साबुन या पानी अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप कोई 70% वाला कम से कम कोई अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करके भी अपने हाथ साफ कर सकते हैं। तो बच्चे को दूध कैसे पिलाना है? वैसे तो माँ के दूध से बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से पहले ही प्रोटेक्शन मिल जाती है और बहुत सारा न्यूट्रिशन भी मिलता है। अगर बाई चांस माँ को कोविड पॉजिटिव आता है और उसको बच्चे को दूध पिलाना है तो सबसे पहले माँ को जरूरी है कि वो अपना मुंह और नाक ढक के बच्चे को दूध पिलाए। उसके बाद जो भी एरियाज बॉडी के बच्चे के मुंह के कांटेक्ट में आने वाले हैं उनको बिल्कुल साफ रखें, उनको धोएं दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद भी, और उनकी बॉटल या जो भी चीजें, जो भी सामान उसको दूध पिलाने में यूज होगा उन सबको भी बिल्कुल साफ रखें। कपड़े कैसे धोने हैं? उनके कपड़े, उनके खिलौने, जो भी जितने भी तापमान के पानी में उनके डायरेक्शंस दिए गए हैं उस तापमान में उनको धोएं। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी यूज करने की कोशिश कीजिए उनको धोने में, और उनको अच्छी तरह सुखाएं, जितना अच्छी तरह हो सकता है उतना सुखा के ही बाद में यूज करें। चिल्ड्रन सेफ्टी, तो बच्चों का ख्याल कैसे रखना है? काफी रिपोर्ट्स कहते हैं कि 1 साल से छोटे बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, या जिन बच्चों को पहले से कोई बीमारी है जैसे एस्थमा है या एचआईवी है या टीबी है, तो इन बच्चों का भी रिस्क बढ़ जाता है कोविड इन्फेक्शन के होने के लिए। तो अपने बच्चों और दूसरे लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी बना के चलें, और 2 साल से ऊपर के बच्चों को हमेशा कोई ना कोई नाक और मुंह ढकने के लिए कोई ना कोई क्लोथ कवरिंग, कपड़े का मास्क, नहीं तो नॉर्मल मास्क आप ढक के हमेशा रखें। और बाहर जब भी जाते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं तो पॉसिबल है तो आप बच्चों को घर पे रखें और आप भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कमेंट सेक्शन में एक लिंक डाल रहे हैं जो CDC के द्वारा बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को जो अभी पैदा हुए हैं उनका ध्यान कैसे रखना है, वो गाइडलाइंस जो दी गई हैं CDC वालों की तरफ से, वो भी एक कमेंट सेक्शन में एक लिंक आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी वार्निंग साइन देखते हैं अपने बच्चों में, जैसे सांस लेने में तकलीफ आ रही है या नीले हो रहे हैं या बुखार बढ़ रहा है, 100 से कम नहीं आ रहा है, ये सब वार्निंग साइंस अगर आपको दिखते हैं तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में या अपने स्टेट की जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कर्नाटका के लिए ये हेल्पलाइन नंबर 104 है, तो आप इन पे भी कॉल करके डॉक्टर से जल्द आप कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए और हम आने वाले सेशंस में उनको क्लियर करेंगे। थैंक यू।